हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान है। सो जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, टॉपिक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्लास 6 का टॉपिक है, और डेट आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये बच्चों को लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सो ये हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उनमें किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा, मैथमेटिक्स को पढ़कर वो क्वेश्चंस डेली लाइफ बेसिस सॉल्व कर पाएंगे और उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो ये सभी पॉइंट्स हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं। देन आता है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ये टॉपिक ओरिएंटेड होता है, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उससे क्या समझ में आएगा, वो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब जो भी टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन हम लिखते हैं मटीरियल एड। सो चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। सो इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाता है। देन आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज। सो अगर हम बच्चों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट रेक्टेंगल, तो उन्हें रेक्टेंगल के बारे में तो पता ही होगा। देन हम बच्चों से कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारे टॉपिक पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। सो ये बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होते हैं। सो इनका पैटर्न ज़िगज़ैग होता है, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़, वेयर डू यू गो फॉर स्टडी एवरी डे? सो स्टूडेंट्स विल आंसर स्कूल। वेयर डू यू सिट इन स्कूल फॉर स्टडी? सो बच्चे बता देंगे इन द क्लासरूम। देन नेम सम ऑब्जेक्ट्स यू सी इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में ज़्यादातर टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा यही सब होता है, तो बच्चे बता देंगे। देन क्वेश्चन फोर्थ इज, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड की शेप रेक्टेंगुलर होती है। सो क्वेश्चन फिफ्थ इज, वॉट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? सो ये प्रॉबेबल आंसर आ जाएगा, मे भी बच्चे बता दें या ना बता दें तो जो प्यूपल टीचर है वो अपने टीचिंग पॉइंट में एक्सप्लेन करेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सो प्यूपल टीचर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम भी बोल देता है, यानी स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन हम अपना फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखते हैं जो कि है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो होता है प्यूपल टीचर एक्टिविटी का। सो उसमें जो प्यूपल टीचर होता है वो डेवलपिंग क्वेश्चन पूछता है, यानी जो मेन टॉपिक है उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा और बच्चों का और इंटरेस्ट डेवलप करेगा। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, बाय शोइंग द फिगर व्हाट डू वी कॉल ए साइड ए बी? तो प्यूपल टीचर एक बोर्ड पे फिगर बना देगा और पूछेगा कि साइड ए बी को हम क्या बोलते हैं। सो बच्चे आराम से बता देंगे कि इसकी लेंथ होती है साइड ए बी। देन क्वेश्चन सेकेंड इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? सो ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा। अब जो प्यूपल टीचर है वो बच्चों को प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सो ये जो टीचिंग मेथड है ये क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्यूपल टीचर है प्यूपल टीचर ने बच्चों से पहले क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हम इसे क्वेश्चनिंग टेक्निक लिखते हैं। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द रीजन कवर्ड बाय द रेक्टेंगल इन टू डायमेंशनल प्लेन, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। सो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, और हम शॉर्ट्स में लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू एल इंटू बी। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपना काम ब्लैक बोर्ड से उतारेंगे अपनी नोटबुक में। सो ये हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक आती है। सो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक ये होती है कि जो प्यूपल टीचर है वो बच्चों को चार्ट पेपर पे कुछ भी फिगर ड्रॉ करके दिखाता है या जो भी टॉपिक से रिलेटेड समझाना हो, तो उससे क्या होता है बच्चे अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं। सो यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया है, तो बच्चों को पहले तो फॉर्म जो फिगर है वही क्लियर हो जाएगी कि रेक्टेंगल कैसा होता है। देन उसमें लेंथ और ब्रेथ बता दी कि क्या होती है, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिखा दिया। सो प्यूपल टीचर ये एक मिनिएचर अपने नोटबुक में भी लगाता है लेसन प्लान में। उसके बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? सो इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमारा जो टीचिंग पॉइंट होता है उसके लास्ट में पूछा जाता है, चेक करने के लिए बच्चों को जो पढ़ाया है वो समझ में आया है कि नहीं। देन सेकेंड टीचिंग पॉइंट इज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में बच्चे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल को समझेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटी। अगेन सेम हमें प्रोसेस फॉलो करना है डेवलपिंग क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल? सो बच्चे बता देंगे टीचर टू डायमेंशनल फिगर। क्वेश्चन सेकंड इज, हाउ मेनी साइड डज अ रेक्टेंगल हैव? सो ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा। सो अब यहाँ पे जो प्यूपल टीचर है वो बच्चों को एक्सप्लेन करेगा कि कितनी साइड्स होती हैं, और ये जो टेक्निक है ये क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि यहाँ दोबारा से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन हमें अब प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा प्यूपल टीचर को कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या होती हैं। सो फर्स्ट इज, इट हैज़ फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस। सेकंड पॉइंट इज, ईच वर्टिसेस हैज़ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट इज, द अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। फोर्थ इज, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एंड फिफ्थ इज, एरिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो ये जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है उसमें आएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली।
और जो ये मेथड है, टेक्निक है, ये एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि यहाँ पे पीपल टीचर ने अपना टॉपिक एक्सप्लेन किया है। देन लास्ट में हम टीचिंग पॉइंट के वैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं। सो हाउ मेनी वर्टेक्स डज अ रेक्टेंगल हैव। देन हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है आइडियल क्वेश्चन। सो इसमें क्या होता है, जो पीपल टीचर होता है वो बच्चों को बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करवाता है रिलेटेड टू जो भी टॉपिक है हमारा। सो वो पहले करके दिखाएगा पीपल टीचर। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। सो लेंथ एंड ब्रेथ हमने लिख दिया है, देन एरिया इज इक्वल्स टू एल इन टू बी। सो ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा, बच्चे की ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे समझेंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क अपनी नोटबुक में करेंगे। देन क्वेश्चन सेकेंड इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है। सो ये जो मेथड है या टेक्निक बोल सकते हैं, वो डिडक्टिव मेथड है, क्योंकि इसमें पीपल टीचर ने पहले एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाया है। देन ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा, स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय देमसेल्फ। और जो ये टेक्निक है, ये ड्रिल वर्क टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि क्योंकि पीपल टीचर ने बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, तो अभ्यास कार्य हमारा ड्रिल वर्क टेक्निक कहलाती है। देन आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो ये टीचिंग पॉइंट के लास्ट में पूछा जाता है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। सो उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन। ये एक तरह का रिवीजन होता है, जो पीपल टीचर अपने सारे टीचिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करता है रिलेटेड टू जो भी टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज अ रेक्टेंगल इज अ डैश डायमेंशनल प्लेन फिगर। सो ये एक फिलअप है। देन क्वेश्चन सेकंड इज अ रेक्टेंगल हैज डैश साइड्स। क्वेश्चन थर्ड द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। सो इसमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो जो पीपल टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करता है जब भी क्लास में कुछ पढ़ाता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। सो यहाँ पे जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क करता है वो यहाँ पे एक मिनीचर अपना लेसन प्लान में लगाता है। देन आता है होमवर्क। सो होमवर्क बच्चों को लास्ट में दिया जाता है जब सारे टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। सो ये नेक्स्ट डे पीपल टीचर आके चेक करता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन सेकंड राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन थर्ड फोर्थ में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है। सो यहाँ पे लेसन प्लान खत्म होता है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।